हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं अभिजीत टेक इंडिया। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। आज का हमारा ट्यूटोरियल है कैसे हम लोग कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम में। तो चलिए देखते हैं इसको। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कीबोर्ड से मैंने लिए हैं और हम लोग इसी के द्वारा हम लोग कट कॉपी पेस्ट सिलेक्ट ऑल या अंडू कर सकते हैं। कंट्रोल ए से सिलेक्ट होता है, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट और कंट्रोल जेड से अंडू। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं, कुछ फाइल्स हैं और कुछ आइकन्स हैं। तो इसको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए का हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो लेफ्ट क्लिक की मदद से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सेलेक्ट ऑल हो गया है, या किसी एक को भी सेलेक्ट आप कर सकते हैं लेफ्ट क्लिक करके, और चाहें तो लेफ्ट क्लिक किया और कंट्रोल बटन प्रेस करके आप अगले को भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिसको आप मन कर रहा है। ये हुआ सेलेक्ट करने का तरीका। अगर हम लोगों को कॉपी करना है कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, सेलेक्ट करके माउस का लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल वी से पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए कॉपी पेस्ट ये हो रहा है। सेम वीडियो जो मैंने कॉपी किया था वो तीनों यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और अगर हम लोग इसको कट करते हैं तो कंट्रोल एक्स से ये कट होता है और हम लोग इसको एक बार ही यूज कर सकते हैं, जबकि कॉपी को एक बार कॉपी करने के बाद कितने बार भी हम लोग पेस्ट कर सकते हैं उसको। तो इसको हम लोग इस फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बना करके के अंदर हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वीडियोस था वो कट होके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और चाहे तो जो मेन कॉपी है उसको भी हम लोग कट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हट गया है वो वीडियो। तो ये तरीका है कट करने का। और डिलीट के लिए डेल बटन का यूज़ कर सकते हैं या डिलीट बटन का यूज़ कर सकते हैं जो कीबोर्ड में होता है, या तो आप राइट क्लिक करके भी इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये रिमूव हो चुका है। और चाहे तो उसको रीपैक ला सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को कंट्रोल जेड का यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए, तो जो हमने डिलीट किया था वो फिर से वापस आ चुका है। और हम लोग लेफ्ट क्लिक की मदद से और कंप्यूटर में जो फोल्डर है उसके मदद से भी हम लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, इसको राइट क्लिक करके इसको कॉपी किया और फिर राइट क्लिक करके हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये दूसरा कॉपी ये बन चुका है। दोस्तों, अगर ये आपको हेल्प करता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रहा है मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर अपडेट्स आपको मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।